सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जो मेरे सबसे ज्यादा डीलर्स को प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इंजन इमोबिलाइज फंक्शन में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है इंजन इमोबिलाइज फंक्शन में, और उनकी क्या क्या टेस्टिंग होती है, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि इंजन इमोबिलाइज में क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जब वो कस्टमर के सामने जाकर के इंस्टॉलेशन करने के बाद जब वो डेमो देते हैं कस्टमर को और मोबाइल से गाड़ी को बंद करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, गाड़ी बंद ही नहीं होती है। कई बार ऐसा भी आपके साथ फेस करने को आपको मिला होगा, और वहाँ पर क्या है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और कस्टमर आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है। वहाँ पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता उस चीज़ का। आपके साथ कई बार हुआ होगा कि बहुत सारे कस्टमर GPS ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से गाड़ी को बंद कर देते हैं मोबाइल फ़ोन से, और बाद में वो ऑन नहीं हो पाता है, और ऑन ना होने के कारण आपकी गाड़ी चालू नहीं हो पाती है, और उसके बाद वो आपको फिजिकली वहाँ पर बार बार जाना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका शो ही नहीं कर पाता है, उसको इनएक्टिव शो करने लगता है गाड़ी को, और वो गाड़ी हमारी बंद है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे उसको ऑन करते हैं, ये आपको प्रॉब्लम बहुत बार फेस करनी पड़ती होगी। और भी मेरे कई सारे डीलर हैं, उन्होंने ये मेरे को बताया कि कई बार उनको वायरिंग नहीं मिलती है। जब हम रिले लगा रहे हैं, रिले इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कौन सी वायर सही है, इसको आइडेंटिफाई करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मैं शुभ चौरसिया, ओनर ऑफ अ सक्सेसफुल GPS कंपनी एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट। पिछले 2 सालों में सैकड़ों बिजनेस ओनर्स की मदद कर चुका हूँ GPS बिजनेस को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में और उनकी बिजनेस ग्रोथ बढ़ाने में। तो अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो इसके बाद से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिले से रिलेटेड या इंजन इमोबिलाइज फंक्शन से रिलेटेड। तो आज के ये 4 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपको रिले की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चेक करना, मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि रिले हमारी सही है या नहीं। कई बार क्या होता है, रिले की कोई वारंटी वगैरह होती नहीं है, हमारी रिले ही खराब होती है, और हम व्हीकल में जाकर के रिले इंस्टॉल कर देते हैं, और वहाँ पर जाके हमें पता चलता है कि इमोबिलाइज फंक्शन होता है जो वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो पहले स्टेप में हम यही सीखेंगे कि हम रिले को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। रिले की टेस्टिंग करने के लिए हमारा पहला स्टेप है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की रिले आपको दिख रही है, इसमें ये 4 वायर दिख रहे हैं आपको। तो आज को हम टेस्ट करेंगे कि रिले सबसे पहले सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे उसके लिए एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है, और 12 वोल्ट करंट की जरूरत पड़ेगी। आप इस तरीके से कोई भी एक अडप्टर खरीद लीजिए मार्केट से, जो कि 12 वोल्ट का हो, जहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ पे आपको लिखा होगा, और उसका ये पिन आगे से कट कर दीजिए, उसके 2 वायर निकलेंगे। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हमारा CCTV कैमरे का जो पावर सप्लाई होती है, उसके ये 2 वायर हैं, 12 वोल्ट इसकी करंट सप्लाई होता है। मैं आपको उसको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मल्टीमीटर है हमारा, मल्टीमीटर पर हमें यहाँ पर 20 वोल्ट पर सेट करना है इसे, इस तरीके से। यहाँ पे अभी 0.0 आ रहा है, और इसके बाद हमें ये यहाँ पर टेस्ट करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप दोनों वायर को हमने टच किया, एक रेड वाले को रेड पर, ब्लैक वाले को ब्लैक पर। तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं 11 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पर करंट आ रहा है, 12 वोल्ट से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन चल जाए, हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें हम 12 वोल्ट की रिले, इसलिए हमने 12 वोल्ट सप्लाई ली है सबसे पहले। अब हम इसको चेक करेंगे कि रिले हमारी सही है या नहीं है। तो पहले इसका टेस्ट करना होता है हमें कंटिन्यूटी। ये दोनों ग्रीन वायर है, ये इसके अंदर एक सर्किट है पूरा का पूरा, रिले के अंदर एक पूरा सर्किट है जो कि इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करता है। और जब ये दोनों वायर से फंक्शनिंग होती है, जब हमारा GPS ट्रैकर जो है रिले को कमांड देता है, तो इन दोनों का जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीच में से कनेक्शन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्विच का काम करता है ये दोनों वायर। तो सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि ये दोनों हमारे जो ग्रीन वायर है, इसका कंटिन्यूटी बन रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में से कहीं ब्रेक हो रहा हो, तो हमें समझ में जाएगा हमारी रिले सही है कि नहीं। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में जाएंगे, और हमारा ये सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इस वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे ना। और इसके बाद जब दोनों वायर को आपस में टच करते हैं, तो आप यहाँ पर एक साउंड सुन सकते हैं, बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। ये बीप साउंड हमें इंडिकेट करता है कि ये हमारा जो फंक्शनिंग है, ये कंटिन्यूटी सही है। तो अब इसी तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे, ग्रीन वायर एक साइड हमने ये ब्लैक वाला लगा दिया, और एक साइड हमने रेड वाला लगा दिया, दोनों ग्रीन वायरों में। इसको मैं हटा देता हूँ, आप देखिए 2 ग्रीन वायरों में हमने आपस में ये लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो रिले है ये सही फंक्शनिंग कर रही है, दोनों वायर हमारे मतलब ये पूरा कंटिन्यूटी सही है। अब हमें चेक करना है कि रिले ऑन ऑफ कर पाएगी कि नहीं, उसका स्विच है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। GPS के रेड वाले वायर के साथ हम व्हाइट वाला वायर कनेक्ट करते हैं, और येलो वाला वायर जो होता है हमारा वो ग्राउंड होता है, जो कि GPS के येलो वाले वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर समझते हैं ये फंक्शनिंग सही कर रही है कि नहीं। क्या करेंगे कि हमारे व्हाइट वाले वायर के साथ हमने इसको रेड को कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट का। ये एज यूजुअल इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम इसके येलो वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, टच भी करेंगे, तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन सेंस होगा, आपको उसको यहाँ पर उंगली रखेंगे आप और चेक करेंगे कि ये सेंस कर रहा है कि नहीं। देखिए कुछ एक वाइब्रेशन आपको सुनाई दे रहा होगा शायद,
ये जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो यहाँ पर एक खट 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 करके आवाज़ आती है, स्विचिंग ऑन ऑफ करने की आवाज़ आती है। इसके पीछे आपको उंगली रखनी है और यहाँ से आप सेंस कर सकते हैं कि रिले हमारा काम कर रहा है कि नहीं। और जब भी आपका ये वायर टच होता है ना तो इन दोनों का कंटिन्यूटी जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लगा दिया दोनों साइड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हैं, इसको हमने कंटिन्यूटी पर यहाँ पर इंडिकेट किया और यहाँ पर आपको एक बीप साउंड सुनाई दे रहा है क्योंकि हमने दोनों रेड और ब्लैक कलर के वायर यहाँ पर ग्रीन में टच कर रखे हैं। अब हम इसमें ब्लैक कलर का हमारा ये जो पावर का वायर था नेगेटिव करंट, उसको हम लगा देते हैं। हमने यहाँ पर रेड वाला वायर जो है वाइट में लगाई दिया था और जैसे हम इसको येलो वाले वायर में टच करेंगे तो हमारा रिले की फंक्शनिंग चालू हो जाएगी और ये बीप साउंड जो आपको सुनाई दे रहा है वो बंद हो जाएगा। देखिए जैसे हमने इस पर टच किया तो यहाँ पर आपको जीरो हो गया है ना, और अगर हमने इसको हटा दिया तो यहाँ पर ये बीप साउंड फिर से आने लगा। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पर जो कि हमारी वायरिंग को टेस्ट करना होता है। सबसे ज्यादा लोग क्या होता है कि दिक्कत यही आ जाती है कि इंजन वायर कोई चूज करने में दिक्कत कर लेते हैं लोग, तो उनको पता ही नहीं होता है कौन से वायर हमारे व्हीकल में इंजन के होते हैं और वो जाकर के कोई भी रैंडम वायर में रिले को इंस्टॉल कर देते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर आई बटन में ऊपर की साइड, इस साइड जैसे कहीं पर भी आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंस्टॉलेशन के लिए, इंजन इमोबिलाइज फंक्शन के लिए रिले के साथ जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, वहाँ जाकर के आप पूरी वीडियो देखिए, तब जाकर सही तरीके से आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे स्टेप में आपको टेस्टिंग कैसे करनी है कि आपकी वायरिंग जो की हुई है वो सही है या गलत है। अगर आपने गलत वायरिंग की होगी तो आपका जो इंजन इमोबिलाइज का फंक्शन है वो कभी काम नहीं करेगा। वायरिंग सही होनी चाहिए तभी हमारी रिले सही से फंक्शन करती है। तो ये रिले आपने समझ लिया है, ये चार तार होते हैं, ठीक है। तो बाकी की इसमें आपको मैं पूरी वायरिंग करना नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं फिटिंग इंस्टॉलेशन के लिए। मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि आपको रिले कैसे चेक करनी है। यहाँ पे देखिए इग्निशन के दोनों ग्रीन वायरों में हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। बाद हमें जो जीपीएस का येलो कलर का जो वायर होता है उसको हमने येलो वाले वायर में कनेक्ट करना होता है, हमने कर दिया। और रेड वाला वायर जो है हमने व्हाइट वाले रिले के व्हाइट वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको हमें टेस्ट करना है कि गाड़ी हमारी सही है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना रहता है कि हमें इसको चाबी लगा करके इसको हमें ऑन करना है। रिले को टेस्ट करने के लिए पहले हमें इसको चालू करेंगे। अब हमारी गाड़ी चालू हो गई है ना, ये एकदम आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रहा होगा। इसको अब हाँ इसको क्या करना है, अब हमें रिले को हम निकाल देंगे अगर हमारे इग्निशन के वायर सही लगे होंगे। ये दोनों वायर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अगर हमारे ये दोनों वायर इग्निशन के लिए ये जो ग्रीन वायर जो है ना वो सही लगे होंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। इसको हमने निकाल दिया, हमारी गाड़ी बंद हो गई है ना। तो ये इसका मतलब ये सही है। अब दोबारा अब अगर हम इसको चालू करते हैं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। इसको हम अगर करते हैं चालू तो नहीं चल रही है, इसका मतलब हमारी रिले के जो कनेक्शन है ये दोनों ग्रीन वायर के ये सही है, ये हमारा दूसरा चेक पॉइंट सही हुआ। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे रिले सही है कि नहीं, फंक्शनिंग उसकी सही हो रही है कि नहीं। तो क्या करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले वाले पार्ट में बताया हमें इसको क्या करना है, येलो वाले वायर को टेस्ट करके दिखना रहता है। कहीं भी हम जब अर्थिंग में लगाते हैं, ये देखिए इसको मैं यहाँ पर कहीं भी अर्थिंग में लगा के दिखता हूँ तो हमें यहाँ पर एक वाइब्रेशन का साउंड आएगा। देखिए देखिए आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। इसको हमने लगाया तो ये बंद हो गया है ना। अब हमारा इंजन चालू नहीं हो पाएगा, इसका इंजन इसको चालू करके देखो। एक मिनट हाँ आप करो। अब देखो ये इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने हमारी जो रिले है वो सही काम कर रही है और इसका फंक्शनिंग नहीं हो रही है। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये चालू हो जाएगी। चालू कर, ये देखिए गाड़ी चालू हो गई हमारी है ना। अगर मैं दोबारा से इसको रिले को यहाँ पर टच कर दूंगा, देखिए ये बंद हो गई गाड़ी है ना। इसका मतलब हमारी रिले की जो फंक्शनिंग है वो सही है और वायरिंग भी सही है। ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। तीसरा हमारा चेक पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें अपने मोबाइल फोन से कमांड देकर के चेक करना है कि हमारा जीपीएस ट्रैकर सही तरीके से इंजन को बंद या चालू कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। कमांड के थ्रू आप कैसे इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम और भी आती है कि कई बार हमारे कस्टमर क्या करते हैं, मोबाइल से गाड़ी को बंद कर देते हैं और दो तो तीन तीन दिन तक हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है। ऐसे में हमारे मोबाइल फोन की तरह सेम जीपीएस ट्रैकर भी स्लीप मोड पर जाता है ताकि वो भी बैटरी सेव कर पाए, गाड़ी कार की या किसी की भी हो, लेकिन वो अपनी लाइफ को भी सेव करना चाहता है और हमारी व्हीकल की बैटरी को भी सेव करना चाहता है। इंजन तो बंद है कम्प्लीटली, हमारे रिले का फंक्शन तो चालू है, लेकिन वो स्लीप मोड पर जाने के बाद उसका एक तो जीपीएस फंक्शनिंग बंद हो जाती है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आप मोबाइल से कई बार बंद चालू करते हैं गाड़ी को लेकिन वो हो नहीं पाती है और आपको फिजिकली जाकर के कस्टमर के पास सर्विसेज देने की जरूरत पड़ती है। ये वाली जो प्रॉब्लम है वो आपके थर्ड वाले स्टेप में आपके सॉल्व हो जाएगी। आप यहां से कमांड देकर के गाड़ी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो गाइस हमने लास्ट टू पार्ट में अभी हमने देखा कि रिले को कैसे टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमने वायरिंग वाला पार्ट देख लिया कि कैसे हम वायरिंग को टेस्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम मोबाइल फोन से उसमें कमांड देंगे जीपीएस ट्रैकर के थ्रू, ताकि हमें यह पता चल पाए कि हमारे जीपीएस ट्रैकर की वायरिंग सही है या वो प्रॉपर रिले को कमांड दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर हम ये थर्ड वाले पार्ट में टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं आज आपको मोबाइल फोन के थ्रू कमांड दे करके बताऊंगा इंजन इमोबिलाइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन जो दिख रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक ये सिम नंबर पर एक कमांड दिया, मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है स्क्रीन पर, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक परम हैश का कमांड दिया हुआ है। इसका क्या होता है, पैरामीटर्स हमें दिख रहे हैं। तो हमने जब भी हम इंजन इमोबिलाइज का कमांड देते हैं तो मेन जो कमांड है वो आप यहाँ देख सकते हैं, रिले कॉमा वन हैश, ये हमारी गाड़ी को बंद करने के लिए होता है ताकि हम रिले का फंक्शनिंग ऑन कर पाए। गाड़ी को हमें अगर बंद करना है तो हमें कमांड देना होता है रिले कॉमा वन हैश, और अगर रिले हमें गाड़ी को चालू करना है, ये कंडीशन आपको तब भी आ सकती है जब आपका सॉफ्टवेयर के साथ कोई कनेक्शन टूट जाए आपका, और आप मोबाइल फ़ोन से उसको गाड़ी को बंद नहीं चालू नहीं कर पा रहे हैं। इनकेस बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को मोबाइल से बंद कर देते हैं पर वो ऑन नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि नेटवर्क के कारण उसका सॉफ्टवेयर का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये काम आने वाला है। इसमें आप रिले कॉमा जीरो हैश का ये कमांड देंगे जो आपके स्क्रीन के सामने है। इस कमांड को देने से आपका जो रिले की फंक्शनिंग है वो हट जाएगी और आपका व्हीकल जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। पर कुछ हार्डवेयर्स में ये दोनों कमांड तभी काम करेंगे जब आपका सेंटर नंबर सेट होगा, मतलब आपको पहले जीपीएस ट्रैकर को बताना होगा कि इन्हीं स्पेसिफिक नंबर से ही मेरे पास जब कमांड आएगा, जीपीएस के पास जब कमांड आएगा तो ही वो फंक्शनिंग करेगा इंजन ऑन या ऑफ के लिए। तो उसके लिए हमें सेंटर नंबर सेट करना पड़ता है, तो उसके पहले हमें उसका एसओएस नंबर सेट करना पड़ेगा, सेंटर नंबर के पहले उसमें एसओएस नंबर। तो इसलिए पहले मैंने ये परम हैश का कमांड दिया है, उसमें हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारा SOS या सेंटर नंबर सेट है या नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा कोई भी SOS नंबर सेट नहीं है, सेंटर नंबर सेट नहीं है। तो हम यहाँ पर एक SOS का कमांड देते हैं। यहाँ पर आप तीन नंबर तक SOS में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर सिर्फ एक नंबर सेट किया, SOS कॉमा A कॉमा आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो ये मोबाइल नंबर डालने के बाद हैश आपको देना है। यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है वो मैंने बताया ताकि आप आगे भी इसमें एक नंबर ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई नंबर ऐड नहीं करना है तो आप इसको कॉमा को हटा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, या लगा भी देंगे तो भी वो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पर रिप्लाई क्या आया है, ओके द SOS वन, यहाँ पर फर्स्ट नंबर यहाँ पर ये सेट हुआ है जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है वो फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर यहाँ पर आपका ब्लैंक है, कोई नहीं। थर्ड नंबर भी आपका कुछ भी नहीं आया, इसलिए यहाँ पर मतलब कोई भी नंबर दिख नहीं रहा है, हमने सिर्फ एक ही नंबर सेट किया। उसके बाद हमें सेंटर नंबर सेट करना होता है, तो सेंटर कॉमा ए, ए का यहाँ पर मतलब होता है एक्टिवेट, सेंटर के लिए हमें एक्टिवेट करना है। जो SOS में तीन नंबर सेट है ना, उन तीनों में से आप किसी भी एक नंबर को सेंटर नंबर पर सेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि डिवाइस को कौन सा नंबर रिले के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने सेंटर कॉमा ए कॉमा हमारा एक मोबाइल नंबर, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही नंबर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिप्लाई आता है वो आता है ओके सेंटर नंबर विल बी दिस, आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। और इसके बाद फिर हमें रिले कॉमा वन हैश का कमांड देना पड़ता है जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपनी गाड़ी को बंद या चालू करके चेक कर पाएं अपने मोबाइल के थ्रू। तो ये आपको जो भी जीपीएस ट्रैकिंग का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मोबाइल से एसएमएस के थ्रू गाड़ी को कभी भी बंद या चालू करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर चालू करना चाहते हैं तो रिले कॉमा जीरो हैश, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि उनकी गाड़ी बंद हो गई है और नेटवर्क के कारण उनका कनेक्शन टूट गया सॉफ्टवेयर के थ्रू, और बाद में वो पछताते हैं कि ये गाड़ी कैसे ऑन होगी। तो वजह इसके कि हम उसकी वायरिंग के साथ छेड़खानी करें, हम यहाँ पर ये भी ऑप्शन कर सकते हैं कि सेंटर नंबर सेट करने के बाद रिले कॉमा जीरो हैश का आप कमांड देंगे तो आपका जीपीएस ट्रैकर फंक्शनिंग करने लगेगा और रिले जो है वो डिसेबल हो जाएगी और आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम चौथे नंबर के पार्ट पर। तो चौथे नंबर के स्टेप में हमें टेस्ट करना पड़ता है कि हमारा पोर्ट जो है, जो हमने सर्वर का जो कमांड दिया उसका जो पोर्ट होता है वो हमने सही सेट किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हम सर्वर का कमांड देते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि आईपी एड्रेस ये वाला पार्ट होता है, आपके नीचे दिखाई दे रहा है DNS सर्वर URL और IP एड्रेसेस हमें बोलते हैं। ये सर्वर के कमांड में हमें IP एड्रेस सेट करना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं 52.74.44.145 है ना। अगर आपका IP एड्रेस सही नहीं है तो भी आपका रिले का फंक्शनिंग सही नहीं होगा। अगर आपका पोर्ट सही नहीं है, पोर्ट यहाँ पर सेट होता है 8502, ये पोर्ट है हमारा, इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है और ये पूरा उसकी बॉडी है, ये सर्वर के कमांड की बॉडी आपको दिख रही है। इसमें यहाँ पर जीरो जो है वो इंडिकेट करता है IP एड्रेस के लिए। अगर इन केस अगर आप इसमें IP एड्रेस की जगह पर URL यूज करने वाले हैं इस वाले पार्ट में, तो फिर आपको यहाँ पर जीरो की जगह पर वन लिखना पड़ेगा इधर पर आगे, है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पर URL आपका पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पोर्ट पेस्ट करेंगे। अब आती है बारी कि हम पोर्ट पता कैसे करेंगे कि कौन सा पोर्ट हमारे लिए राइट है। तो मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर पर ले जा करके। देखिए यहाँ पर हमें IME नंबर पर जब हम क्लिक करते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है ट्रैक एंड टॉक का, तो जब हम यहाँ पर IME नंबर वाले सेक्शन में IME नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिवाइस टाइप दिखता है, डिवाइस टाइप।
ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी लंबी एक लिस्ट होती है, तो यहाँ पर आप देखिए कि डिवाइस का टाइप है और उसके पीछे पोर्ट नंबर लिखा हुआ है 8500, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8505, है ना, 8502। तो ये पोर्ट, जैसे अगर आपने लेट सपोज आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये डिवाइस आपका 8300 एक डिवाइस है, ये आपने सेलेक्ट किया हुआ, तो इसका पोर्ट है 8502। यहाँ पर भी जो पोर्ट है ना वो 8502 ही सेलेक्ट करना है। अगर आपने दोनों जगहों पर अलग अलग पोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका रिले जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। और साथ में पोर्ट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो डिवाइस लगाया हुआ है व्हीकल में वो राइट डिवाइस यहाँ पर होना चाहिए। पोर्ट के अलावा अगर आपने EV02 लगाया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ EV02, तो इसका भी पोर्ट 8502 है, और ET300 लगाया हुआ है तो भी उसका पोर्ट 8502 है, तब भी यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके लिए एक पासवर्ड होता है, एक अजीब सी एक लैंग्वेज होती है, हर डिवाइस के लिए एक अजीब सी लैंग्वेज होती है जो कि उसके प्रोटोकॉल, जो डिवाइस का प्रोटोकॉल होता है उसके साथ ऐड करनी पड़ती है। तो वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पोर्ट हमने सही सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन डिवाइस टाइप गलत सेलेक्ट किया है। EV02 का रिले वाला जो कमांड है सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अलग है और ET300 का अलग है, तो राइट डिवाइस टाइप भी आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई गलत डिवाइस टाइप सेलेक्ट किया है तो फॉर श्योर आपको दिक्कत होगी और आपका जो डिवाइस है रिले की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। इसके बाद ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ चेक करना है, कोई भी व्हीकल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर रिले के ऊपर यहाँ पर चेक मार्क लगाए कि नहीं, टिक मार्क आपको लगाना जरूरी है। अगर आपने उस गाड़ी को इमोबिलाइज का फंक्शन देना है तो उस कस्टमर को आपने इमोबिलाइज का फंक्शन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर ये चेक मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो मोबाइल एप्लीकेशन में लॉक का ऑप्शन ही नहीं आएगा और यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, जिससे वो इंजन बंद चालू करने में उनको तकलीफ होती है मोबाइल के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको मेक श्योर करनी है। अब जो पांचवी कंडीशन आती है जिसके कारण आपका कई बार मोबाइल फ़ोन से इंजन ऑन ऑफ नहीं हो पाता है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जिसमें ये व्हीकल एक जिसका करंट स्टेटस बता रहा है व्हीकल इज़ अनलॉक, मैंने इस पर लॉक पर क्लिक किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो कि ये फेल हो गया, यहाँ पे सबसे नीचे स्टेटस दिख रहा है ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसका इग्निशन ऑन है पहले से, तो जाहिर सी बात है इग्निशन ऑन है तो आप ऑफ करना चाह रहे हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, इन केस आपका कुछ व्हीकल जो चोरी हुआ है तो आपका ये इंजन ऑफ नहीं कर रहा है, तो आपको इंजन ऑफ करने की जरूरत है और आप अपने इंजन ऑफ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रीजन दे रहा है, GPS इज नॉट फिक्स्ड, है ना, इन केस अगर GPS फिक्स नहीं है तो आपका यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे, तब आपका काम आएगा कि आप मोबाइल फोन से कमांड देकर के रिले कॉमा वन हैश वाला कमांड देंगे तो आपका गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरा कारण आप यहाँ पर देखिए स्पीड इज ग्रेटर देन 20 किलोमीटर पर आवर, हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे 20 से ज़्यादा अगर किसी गाड़ी की स्पीड है तो वहाँ पर डेंजर हो सकता है अगर हम गाड़ी को ज़बरदस्ती ऑफ करते हैं। तो अगर हमने यहाँ से ऑफ कर दी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है हाईवे पे लेट सपोज, तो वहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिनाई कर देता है कि गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आ गया रिले डिले, ठीक है, या फिर रिले बहुत ज़्यादा देर कर रही है किसी कारण से, तो ये एक यहाँ पर इसने फेल का आपको रिमार्क दिया है। तो उस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी चालू है और कम स्पीड में है रिले कॉमा वन हैश का कमांड देंगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको इसी तरीके से अपडेटेड रख सकें नए नए सॉल्यूशन से। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आपके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बना करके ला सकें। अगर आपको किसी भी तरीके की GPS ट्रैकिंग बिजनेस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कंसल्टेशन कॉल के लिए हेल्प कॉल के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा रखी है, वहां जाकर के आप अपना हेल्प कॉल बुक कर सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे हम 3 दिन आप सभी के लिए स्पेशल 1-to-1 कंसल्टेशन हेल्प कॉल करते हैं और आपकी प्रॉब्लम के बारे में समझकर आपको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां जाकर के बुक कर सकते हैं। अगर आप हमारे GPS ट्रैकिंग सिस्टम्स को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमने हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मिल करके ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, वहां जाकर के आप कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।